सीधी हाइट है, उतर से स्टार्ट हुई है और एकदम से सीधी यूं करके इतना से ट्रैक चढ़ा है। यहाँ पर साफ ग्लेशियर नहीं है, कोशिश करेंगे आगे ऊपर तक जाएं। रात बहुत अच्छा गुजरा हमारा इस होटल में, छोटे छोटे एक दो मसले थे लेकिन वो हम लोगों ने क्लियर कर लिए। फॉर्म शॉम का मसला था, अभी धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है और मौसम अच्छा है, हवा भी इतनी कोई ख़ास नहीं है, ड्रोन श्रोन आराम से उड़ेगा सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग फ्रॉम कौन सी जगह, पासू। और कमरे के बाहर ही है खूबसूरत सेब का बाग, वाह। मेरे पेट के नसीब में पता नहीं कौन सा सेब आता है, फिलहाल ढूंढते हैं। हेल्प मी, कौन सा वाला खाऊं? निदा, ज़्यादा मीठा कौन सा वाला होगा बताएं। फिलहाल का नाश्ता, इस सेब के साथ। उसके बाद आज का जो प्लान है, हम लोग यहाँ होटल में खाना नहीं खाएंगे, इसके बिल्कुल ऊपर सामने वो ग्रीन कलर का इन्हीं का ही रेस्टोरेंट बना हुआ है, तो सब कुछ पैक करके सीधा जाएंगे ऊपर, बाइक होंगी हमारी पैक, नाश्ता करेंगे साथ ही निकल जाएंगे। अगर यहीं पर नाश्ता करेंगे तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हमारा ज़ाया हो जाएगा। हुसैनी ब्रिज यहाँ पे पीछे यहीं पे कहीं पे है, मैक्सिमम 5 मिनट का रास्ता, वो भी देखेंगे। ओके नीता, अपना ख्याल रखना, ठीक है। आज हम लोग तकरीबन कोई 1 घंटे में रेडी होके ऊपर होटल में निकल रहे हैं। आज बहुत जल्दी हम लोगों ने तैयारी की, रीज़न सब कुछ पैक था, हम लोग कैंपिंग कम कर रहे हैं, उसकी मेन रीज़न हम लोग को चार्जिंग वगैरह ड्रोन वगैरह की बैटरियाँ ये वो चार्ज करनी होती है। इसलिए आप लोग को ये बोलूँगा कि ज़्यादा जोर जुदा है कैंपिंग पे दिया करें, हम लोगों की मजबूरी है कि हम लोगों को लाइट चाहिए होती है, चार्जिंग मार्जिंग इस तरह की चीज़ें। फिलहाल वहाँ पर जाके करते हैं नाश्ता। शमास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बच्चे, खुदा हाफिज़। शमास ऊपर ही हो ना? ऊपर। ओके नाश्ते वाले भाई तो उठ को नहीं रहे हैं, आधा घंटा कम से कम हमारा ज़ाया हो गया, अब आगे जाके कहीं पे नाश्ता करेंगे। हुसैनी का रास्ता बोरी से थोड़ा सा ही आगे है, बेसिकली दोनों तकरीबन समझ लो कि एक ही जगह पर है। मोहन भाई को बहुत भूख लग रही है क्योंकि मोहन भाई नाश्ता किए बगैर राइड नहीं करते। फिलहाल यहाँ से नीचे हुसैनी का रास्ता है, हुसैनी भी तकरीबन कोई 10 मिनट में ही हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में ड्रोन शॉट लेना, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि यहीं पे कहीं पे नाश्ता मिल जाता है तो पहले नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद हुसैनी जाएंगे। नाश्ते की जगह हमें मिल गई हुसैनी ब्रिज के बिल्कुल सामने में, अल्हम्दुलिल्लाह। अब नाश्ता वाश्ता करके हुसैनी ब्रिज करेंगे, हुसैनी ब्रिज करके करने के बाद आगे पता नहीं, पहले नगर आता है कि नंदर आता है, जो भी आएगा वो करेंगे। और ये सर यहाँ पर बना रहे हैं नाश्ता हमारे लिए साफ सुथरे तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। और यहाँ पर इस वक्त यही एक होटल है जहाँ से नाश्ता मिल रहा है, ये हमारा अंडा बन रहा है, ये रहा साफ सुथरे तरीके से, माशाल्लाह से ज़बरदस्त साफ सुथरा किचन है। थैंक यू सर आपका हमारे हमें सुबह आज का नाश्ता करवाने के लिए। थैंक यू। चावल भी रेडी हैं, चावल बन रहे हैं साथ में, नाश्ता वगैरह, नाश्ता भी हमें पराठे नहीं है, पराठे में हाल सर के नीचे गाँव है जो हुसैनी गाँव है, वहाँ से पराठे बन के आएंगे और अंडा आमलेट ये बनाएंगे, चाय ये बनाएंगे और फिर हम लोग नाश्ता करके जाएंगे हुसैनी की तरफ।
बाहर निकल के अखा नहीं खो रही है। यस हुसैनी ब्रिज का मजा आया। अभी अभी जैसे शमशान हम लोगों ने छोड़ी हुई है ना मुंबई, वो समझो कि इस साइड पे आने का एक बहाना है, ठीक है? उसकी टेंशन ही नहीं, नहीं चाहता। जिंदगी में मौका मिलेगा दोबारा ये साइड करेंगे तो शमशान की आस में तो आएंगे, कोई ना कोई चीज छोड़ के भी जानी चाहिए। ओके शमस, ओके डन। बल्दी अल्दी फोर्ड चल के ब्रेक लावांगे। एम ओ दूसरा नगर है, नगर ऊपर इस पर आवा ही इसे कह रहे हो नगर खास। हाँ यही ट्रैक है, मियार ग्लेशियर यही करना है पहले, परपू ग्लेशियर ऊपर आगा अग्रसादे शमशल ऊपर ऊपर 8.5 किलोमीटर, नगर खास आएगा 10 किलोमीटर, उससे 18 किलोमीटर तक ऊपर ग्लेशियर ऊपर एंड ऐसे नाल सारे मुंबई चल रहे ना रिवर अंदर ना है चलत रिवर, चलत आंदे बीच चलत रिवर का पानी है तो नाल इस पर ग्लेशियर का शमशाल मिल के पिछो आ रहा सारा पानी मेन सोर्स जरा पानी का, उस बाद अगे आके इस पर वाला चलत रिवर आके नाम मिलता है, अगे फिर रिवर खुंजा बन जाता। इस वक्त हम लोग नगर खास में है और आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक हाइट पकड़ रहा है। हम लोग का प्लान जो अभी तक बना है कि हम लोग इस पर पहुंचेंगे आज, वापसी पे देखेंगे किस तरह से क्या सेटिंग करते हैं। और नीचे काफ़ी गर्मी थी, आसमान जैसे से ऊपर आ रहे हैं तकरीबन ठीक होता जा रहा है। ये पुल बन रहा, पुल बच्चे सारे की बेच रहे क्रेन, क्रेन का मजा देख रहे हैं, क्रेन का मजा। टीटी आपको कल लगवाएंगे, ठीक है? 12 घंटे से 26, 24 घंटे से 26, 27 घंटे भी हो जाएंगे खैर है, नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं फिर। नहीं लगाएंगे ना, ऐसे नहीं ना बोले, सुबह लगाएंगे यहीं पे कहीं पे है तो होटल है ना भैया, आपको सुबह फर्स्ट टाइम में लगाएगा टीटी, वो हॉस्पिटल है ना उसमें 8 घंटे बस। हाँ लगाएगा, लगाएगा सुबह। अभी ऊपर चलो भैया, ऊपर आ गई है भाई, ऊपर ग्लेशियर पे चलो ना भैया, ऊपर ग्लेशियर रश लेक अंदर ही चलो। चलो चलो भाई, 4:27 पे निकल रहे हैं हम लोग ऊपर से, रूम हमने ले लिया इधर ऊपर में, लेकिन टाइम शॉर्ट था ये कमरा लिया और अब टाइम थोड़ा रह गया। देखो कोशिश ये है कि आज ही ऊपर ग्लेशियर हम लोग करके आ जाएं वापस, और यहाँ से तकरीबन कोई 25 मिनट का कह रहे हैं कि कोई रास्ता है, रूम को कर रहे हैं लोग, बाइक हमारी नीचे खड़ी है उस जगह पे। और जो था मेन हमारा इस टूर में जो था मसला थोड़ा सा एक ख़राब हो रहा है कि हम लोग कैंपिंग कम कर रहे हैं, होटलिंग कर रहे हैं, उसकी रीज़न हमारा चार्जिंग मार्जिंग ये वो सारा सिस्टम, ड्रोन की बैटरी तकरीबन कोई 2 से 2.5 घंटे लेती है, इसकी वजह से इस चीज़ का होता है कि हमें लाइट प्रॉपर मिलनी चाहिए। फिलहाल यहाँ से ऊपर ग्लेशियर का जो सा ट्रैक है वो हम लोग करेंगे स्टार्ट होटल से, साथ ही आगे यहाँ से बाइक मजीद नहीं जाती, मुंबई लॉक करें। ओके चलो आगे खाना छाना खाते हैं। अभी तक हुसैनी ब्रिज से जब से चले हैं रास्ते में थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का बाइक चलाते मलाते यहाँ पर पहुँच गए हैं। चलो रश लेक K2 व्यू पॉइंट, वेदर साफ हो तो आपको इस जगह से जो सा है K2 भी नज़र आता है। फिलहाल हम लोगों ने नीचे से जाना है,
व्यू पॉइंट जो होता है वो कल करेंगे, फिलहाल टाइम शॉर्ट है, हम लोगों को उधर ही जाना है। कल का जो सा ग्लेशियर देखा है, अब दिखा आप पाकिस्तान के सारे ग्लेशियर देख लें, वापस जाके बलतूरा ग्लेशियर भी देख के आए हैं। आखिर मौसम है, पीछे पता नहीं कौन सी पीक है। सीधी हाइट है, उतर से स्टार्ट हुई है और एकदम से सीधी यूं करके इतना से ट्रैक चढ़ा है और नीचे सारा ये ग्लेशियर है। यहाँ पर साफ ग्लेशियर नहीं है, कोशिश करेंगे आगे ऊपर तक जाएं, जहाँ से शायद की बात है वाइट कलर का ग्लेशियर पासू ग्लेशियर की तरह हमें नज़र आ जाए, थोड़ा सा व्यू को हम लोग देख लें। खूबसूरत किस्म का कैफ़े बना हुआ यहाँ पे एक, ये देखो यहाँ पे आके आप थोड़ी रेस्ट भी कर सकते हो, रेस्ट नहीं करना जवान हो तो चढ़ते जाओ। मेरा ख्याल है यही व्यू इनफ है, अगर हमने यहाँ से एक स्टेप मजीद ऊपर जाते हैं ये व्यू है, इसके बाद दूसरा वो ऊपर जो आप झंडा देख रहे हो नज़र आ रहा है शायद, वहाँ पे जाके भी इतना कुछ खास कोई इसमें कोई व्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए प्रोग्राम यही है कि इसको इतना ही कर लें। ये तो हम लोगों ने 10 मिनट में सब लोग अपने होटल से 10 मिनट में यहाँ पर पहुँच गए हैं। नीचे ग्लेशियर है, काला ग्लेशियर है, मज़े का नहीं लग रहा। अगर आपने अच्छा ज़बरदस्त मज़ा लेना है तो आपको मज़ीद आगे कम अज़ कम भी कोई 1 से 1.5 घंटे की जो थी 1.5 घंटे की बल्कि आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। फिर आप लोग इस पहाड़ ये जो तो आप देख रहे हो इसकी जब बैक साइड में जाओगे तो आपको मज़ा आएगा, लेकिन फ़ायदा नहीं है, अभी रात भी होगी हुई है, तकरीबन 5 बजे का टाइम है, जाने आने में सारा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, पीछे भी सारा बादल है तो इतना इसलिए कोई इतना कोई ख़ास नहीं है जाने का। पर मुँह भी इधर ही इनफ करें ना, बस मुंबई का भी कहना है कि यहीं पे हम लोगों को बस यहाँ पे एंजॉय करते हैं थोड़ा सा। हाँ उनकी बात साड़ी थोड़ा ज़्यादा ना अनु देख के थोड़ा सा इसको देख के थोड़ा सा मायूस हुए हुए हैं, लेकिन ड्रोन उड़ाते हैं। March, but a light from a falling sky. Fly to the forces above us, like keep holding on to this present time. Inspired by the ones that were left behind us, we fell for the light of a falling sky. Flying to the forces above this life. फिलहाल मैं पी रहा हूँ चाय और मुंबई वगैरह क्या पी रहे हैं, मुंबई जाओ कावा माउंटेन टी पी रहे हैं, जरा एक चुस्की लगाए ना, ये एक चुस्की लगाए हैं और फिर बताएं इसका टेस्ट कैसा है। क्या बात है जी, क्या बात है। हाँ जी चाचू आ, जबरदस्त मजा आ गया जी, मजा बेहतरीन, थकावट उतारने वाला बेहतरीन, कहते हैं इसकी जड़ी बूटी कोई वो उधर ऊपर लगती है उस पीक पे 26,000 से ऊपर, वहाँ से ये जड़ी बूटी टूटती है, पता नहीं मुझे ये टेस्ट करवाएंगे कि नहीं, नहीं करवा दिया ये कैमरा निकालो टेस्ट करवाया, इससे पहले नहीं करवा रहे थे कैमरा ना लादा जरूर नहीं करवा ली थी टेस्ट आया ना कि नहीं आला, लेकिन आला। हम लोग देसी चाय पियेंगे अपनी लाहौरी चाय सुबह का नाश्ता किया हुआ, नाश्ते के बाद अभी ये क्या है, चप शुरू नगर की कोई सौगात है क्या, जब आज का दिन अच्छा रहा, नगर पहुंचे, नगर अच्छी जगह थी, सिर्फ ग्लेशियर थे, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुए, हम लोग चाह रहे थे कि वाइट कलर का ग्लेशियर मिले, उम्मीद है कि शायद सुबह इस पर में हम लोगों को मिल जाए, लेकिन सुना है कि उसकी भी कोई 2 दिन की ट्रैकिंग है, उसके बाद आप लोग वाइट ग्लेशियर पे पहुंचते हैं। फिलहाल अब सब खा रहे हैं खाना, उन्हें बाय बाय कह रहे हैं, वीडियो बंद करें क्योंकि मुझे भी काफ़ी भूख लग रही है। शमद भाई बाय बाय कर दो, बाय चाचू जी बाय, ओके भाई साहब अपना ख्याल रखिएगा, आज की वीडियो भी ख़राब हुई, कल की वीडियो भी ख़राब हुई,
गोप्रो को आज मैंने दोबारा से स्टडी किया, मैंने उसका फिर से जो था व्यू था वो चेंज किया हुआ था, लीनियर पे किया हुआ था, सुपर व्यू पे नहीं था। अब ये सोचा कि कुछ भी हो जाए गोप्रो की सेटिंग को नहीं छेड़ेंगे, कोई भी शॉट लेने के लिए गोप्रो हमेशा सुपर व्यू पे ही रहेगा। जो सी दो दिन की वीडियो थोड़ी सी आपको छोटा छोटा व्यू नज़र आ रहा है, वो कैमरे की सेटिंग मैंने चेंज की थी हाइपरलैप्स के लिए। इंशाल्लाह अब सुबह से फिर से दोबारा से अच्छा वीडियो बनेगा। खुदा हाफिज़, बाय बाय, बाय बाय, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। ये तो बताया नहीं कि आज खा क्या रहे हैं। आज हम लोग क्या खा रहे हैं? आलू गोश्त, आलू गोश्त, आलू गोश्त और पालक, पालक और साग और जंगली पालक, पहाड़ी जंगली पालक, जंगली पालक और आलू गोश्त। आलू गोश्त हमारा घर का बना हुआ डब्बे वाला, जंगली पालक नगर की। चलो खाओ, खाना दियो ना, दे दे। ए समझ ताड़ भी लाएगी, ये मेरी भी फंस गई है, थोड़ा सा खा लेके आओ। Inspired by the ones that were left behind us, fell for the light of a foreign sky, blind to the forces above this light.